गुड मॉर्निंग। आज कौन सा डे है? डे 4 है शायद। नहीं पता। अच्छा हाँ हाँ, हाँ 4 है। डे 4 है। ना हो ना तो अपना एडजस्ट कर लेना, मुझे नहीं पता। अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। रूम मैं दिखा देता हूँ, ऐसे दिखाने लायक तो नहीं है क्या? अच्छा चलो ठीक है, नहीं दिखाता हूँ। अभी हम करते हैं ब्रेकफास्ट, रूम में बाद में दिखाता हूँ। तो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं। तो अभी नाश्ता लगा ही नहीं है, 8 बज गए। 8 से 10 नाश्ते का टाइम है, फिर भी नहीं लगाया। पता नहीं क्या तरीका है ये पंक्चुअलिटी चुप ना, रहो, अच्छा लग जाएगा। पंक्चुअलिटी नाम की कोई अभी चीज़ ही नहीं है। 1 मिनट बाकी है, 8 बजे ये बज गए देखो। आप घड़ी गलत है। हाँ, सब चीज़ टाइम टू टाइम होनी चाहिए। खुद करते हो कुछ टाइम टू टाइम। हाँ, शादी करी थी टाइम से। ये क्या हो गया? शादी की अच्छी चीजें कैसे दिख रही हैं? अच्छा, ये कुछ ऐसा सा नज़ारा है। चलो, एक चीज़ अच्छी है कि बारिश रुक गई। सुबह रुक जाती है, सुबह आपको धूप ही देखने को मिलेगी। अच्छा, फिर होती कब है? शाम में दोपहर के बाद। अच्छा, ये है इनका क्या है, ब्रेकफास्ट एरिया। कितनी बार बताओगे? बता दिए क्या मैंने? अभी बताया नहीं था। अच्छा, तो ये है जी नाश्ता, थोड़ा लेट कर दिया इन्होंने। ऐसा खाना बेकार है। पूरी बाजी है। कैसी है? बेकार। क्यों खा रहे हो? छोड़ नहीं सकता ना, अन्न का अपमान नहीं है। अपमान करने के लिए बाहर के क्यों ले आए? बाहर के क्यों ले आए अपमान करने के लिए? मुझे लगा अच्छी हुई। डिसअपॉइंटेड ब्रेकफास्ट। चाय चाय अच्छी बनी मुझे। जेंजी के लोग सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल मोबाइल मोबाइल। तो कौन सा पैसे ही मिल रहा है? हाँ तो ऐसे दिन मेरी बेइज्जती करोगे तो ऐसे पैसा मिलेगा? ब्रेकफास्ट हो गया है, इसकी बातों को सीरियसली मत लिया। बिल्कुल सीरियसली लेना है। ऐसे खुद फोन चलाते हो तो पूरा दिन गोप्रो लेके घूमते हो। तो ये था जी हमारा होटल, होटल वेंकटेश। अभी हम चले आगे की तरफ। आज पंचगनी घूमने का प्रोग्राम है हमारा। ये रही मार्केट रोड। टाइम हो रहा 9:41 एंड ऑफ वीक हो। आज 3-4 घंटे लगेंगे घूमने में। आज का पहला पॉइंट मैप्रो गार्डन। क्या होता है यहाँ? ठीक है, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, कैफे, वॉशरूम, एटीएम, बेकरी, ये
है? ये क्या टाटा नैनो खड़ी है? नहीं नहीं फोटोज। पीछे वॉशरूम है, यहाँ पे रेस्टोरेंट है, भीड़ बहुत ज्यादा है। देखते हैं कुछ व्यू मिलता है तो। निशुल्क जल सेवा। वैसे एक चीज नोट करने वाली है कि यहाँ की जो मिट्टी है उसका जो कलर है वो रेड है, रेड ब्राउन ऐसा है, रेड सॉइल है यहाँ की। नहीं ले जा रहे हो तो फिर हर चीज ले जाओ एक एक। क्या ये किया EV6? मैप्रो गार्डन घूमना हो गया, उनके स्ट्रॉबेरी के प्रोडक्ट भरे हुए अंदर, वही सब है। ये है ना अपनी गाड़ी, ये है यहाँ की पार्किंग, बहुत भसड़ मची हुई है यहाँ पर। तो ये अगला पॉइंट है, उसे कहते हैं वेलोसिटी पार्क। तो एक चक्कर मार के निकलेंगे यहाँ से। अच्छा चलो फिर। अच्छा नहीं 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 यहाँ पे तो वो, और ये क्या बोलते हैं इसे, हिंदुस्तान की फॉर्मूला वन। अरे इसका कुछ नाम होता है, नाम भूल गया मैं। आगे गांव है, चलो बस जाए। चलिए जी, यहाँ कुछ नहीं है। इसका क्या नाम है? हाँ गो कार्टिंग, गो कार्टिंग बोलते हैं इसे, मैं भूल गया था। चलो जी, हाँ मैं तो सीधे फार्मूला वन पे बैठूँगा, तो फर्जी फार्मूला वन पे बैठने की आदत है। हाँ ये सब तो हमारे वहाँ पे भी होता है, नैनीताल में खूब। नैनीताल तो आपका अपना ही है। हाँ चार वाटरफॉल, ये देखो सब कुछ तो बंद, फोटोग्राफी चल रही है, देख लो ऐसे ऐसे खींचते हैं फोटो। वो सामने है वाटरफॉल और एक मच्छरों के लार्वा। चलो चलो भीलार।
अगला पॉइंट आ गया जी पारसी पॉइंट। A1 क्वालिटी के फ़ोन से फ़ोटो ली जा रही है, मेरा फ़ोन थर्ड क्वालिटी। तो ये है जी कुछ पॉइंट। तो ये था जी पारसी पॉइंट। अब चलते हैं आगे। पहाड़ के बीच में एक सफेद फ्लैट सा सरफेस है। अच्छा, फिल्म में मैं देखता नहीं। अच्छा, कौन सा गाना? ठीक है, आगे चलते हैं। ये है कुछ पॉइंट। डेंडाइन रेस्टोरेंट केव। ये है जी रेस्टोरेंट। तो अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, 15 रुपये पर पर्सन की फीस है। अंदर एक केब में जाओगे, 2 मिनट में बाहर आ जाओगे। तो हम जा रहे हैं वापस। और रेस्टोरेंट में भी इवन कुछ नहीं है। ये एक और केब। आ गए जी ऊपर। अंदर बड़ी सफोकेशन थी। तो ये है जी कुछ पॉइंट, फोटो ले लो। उस वक्त है नहीं।
ये है जी कुछ तालाब का व्यू टेबल के ऊपर। क्लाउड हाँ जी, यहाँ पे सर टाइम लग रहा है, तो यहाँ के बाद अभी और कितने पॉइंट्स होते हैं? अच्छा ये आखिरी है। अच्छा फिर तो अभी हम लोग जा रहे हैं बिल्कुल लास्ट की तरफ। अच्छा खासा पूरा पहाड़ी इन्होंने फ्लैट करके नहीं इन्होंने काटा होगा ना पहाड़, ये सामने भी तो ऐसे ही किया है, ये नेचुरल थोड़ी ना कटे होते हैं, इसमें ये तो काटे गए हैं। ऐसा लग रहा है दूसरे देश पहुंच गया है, पहुंच गए पहाड़ी के दूसरे एंड पे। यहाँ पे हो सकता है कैमरा बंद करना पड़े, पीछे म्यूजिक चल रहा है तो कॉपीराइट का डर रहेगा। मजार चलो खड़ी हो मैं तुम्हारी फोटो। तो फोटोग्राफी वगैरह हो गई है डन, अब हम जाएंगे वापस। अब यहाँ पे करने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो अभी हो रहे हैं 12:32 और वापसी जाने में देखो कितना टाइम लगता है। अब दूसरे रास्ते से जाएंगे, ये रहा रास्ता, वो रहे दूर पे लोग। मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ क्योंकि सामने कोई रिजॉर्ट है, वहाँ पे म्यूज़िक चल रहा है, फिर कॉपीराइट आ जाएगा, फिर चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, फिर पैसे नहीं आएंगे इसलिए। तो जी बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, हम अभी आधे रास्ते में ही हैं और यहाँ शुरू हो गई है बारिश और अभी हमें जाना है दूर, और यहाँ पर दूर दूर तक कोई शेड नहीं है। अब छाता छूता हम ऊपर लाए नहीं क्योंकि उस वक्त निकली हुई थी धूप, और बादल भी ऊपर देखो बहुत घने ही है। हो गई तेज झमाझम बारिश हो रही है, खुलने का कोई आसार नहीं। छाता छूता हम लाए नहीं और हमें पता ही नहीं था आने से पहले कि ये इतनी खुली जगह। में देखो धूप निकली हुई है, कोई बात नहीं, भीग तो गए, अब भीग है तो अच्छा सही भीगेंगे। तो शर्ट तो पूरी भीग गई है, मेरा बैग पूरा भीग गया, मोबाइल का पॉकेट में ठीक है बच गया हुआ। तो बैग आगे संभाल लेना।
मैं वॉशरूम हो लूँ। टाइम हो रहा 1:30 और अब हमारी बस है 3:20 की। खाने को भी कुछ नहीं। हाँ 2 बजे 1.5 घंटा। तो टाइम हो रहा है जी 10:20, तो वो टेबल के बाद सीधे मैं यहाँ पुणे से कंटिन्यू कर रहा हूँ। चलिए हुआ क्या कि हमारी जो बस थी वो थी बुक, तो वो वाली आई नहीं, हम दूसरी पकड़ के आए, तो वो स्लीपर वाली थी, तो ऊपर की सीट थी और बस में भीड़ बहुत ज़्यादा थी, आने में टाइम बहुत लग गया, जाम था रास्ते में, तो इसलिए मैंने कुछ किया नहीं। तो अभी चेक इन करके थोड़ा बहुत खा पी के आए हैं, अभी फेस की हालत आप लोग देख ही लो। अब कल सुबह हमारी ट्रेन है, तब निकलेंगे अगली डेस्टिनेशन, तब तक के लिए बाय बाय।